देखिए इसका आनन फानन में मैं तो ये कहूंगी कि पिछली सरकार कांग्रेस सरकार गहलोत सरकार ने इसको अपनी वो लगाने के लिए शिला पट्टी लगाने के लिए अपना नाम लगाने के लिए इसका आनन फानन में उद्घाटन कर दिया, जबकि अभी कहीं से भी रेडी नहीं है ये। अभी भी कुछ महीने और लगेंगे इसको तैयार होने में, अभी खुद अधिकारी यहां पर ये कह रहे हैं। और अभी एक दुर्घटना भी है जो होते होते रह गई, क्योंकि थोड़ा सा ये जो काम कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया था, इसलिए आज सभी अधिकारियों को बुलाकर हम लोगों ने भी देख लिया क्या इश्यूज हैं यहाँ पर, जितने भी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मार्केट एरिया है पूरा और बहुत हैवी ट्रैफिक एरिया है ये, तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पर जितनी भी ये अलग अलग संस्थाएं हैं, कॉलोनी के वासी हैं, जो ये इनकी मार्केट के भी जो अपने सारे अध्यक्ष हैं और ये हैं वो एसोसिएशंस हैं, उनके भी सारे लोग यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपने अपने सुझाव दिए कि उनको क्या ठीक लगेगा, क्योंकि ये जो सुविधा है ये पब्लिक के लिए सुविधा है, इसमें पब्लिक की राय सजेशन लिए बगैर अगर हम लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला। आगे आने वाले कम से कम 25 सालों की सोच के साथ ऐसी चीजें बननी चाहिए, है ना। कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट बने तो ये एक शॉर्ट टर्म विजन के साथ नहीं हो सकता और सक्सेसफुल भी नहीं होगा। आज से हम बात करें अगर 10 साल बाद, उस समय क्या जो ट्रैफिक होगा, पॉपुलेशन होगी, वो ट्रैफिक ये पुलिया झेल सकेगा? इस सोच के साथ हमको कोई भी नया निर्माण करना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन के साथ। नहीं तो क्या होता है, काम हो जाता है, इतना पैसा भी खर्च होता है, उसके बाद वो चीज 10 साल बाद या 5 साल बाद ही वो चीज यूजलेस हो जाती है, उसकी जगह फिर हमको नया निर्माण करना होता है। मैं मानती हूँ और हमारी जो मुख्यमंत्री जी की भी यही सोच है, मोदी जी की भी यही सोच है कि हम लोग जो भी बनाएं एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ बनाएं और आगे के कम से कम 10 15 25 साल तक का सोच के कि क्या ये चीज जो हम बनाने जा रहे हैं वो कोई भी सुविधा हो सकती है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वो क्या आज के 10 साल या 15 20 साल बाद तक भी जो स्थितियां होंगी वो स्थितियां को झेल सकेगा क्या? अभी मैंने इनसे तो बात की पर ये तो पुराना प्रोजेक्ट है। अब इन्होंने कहा कुछ महीने बाद हो जाएगा। मैंने इनको क्लियरली कहा कि इसमें कहीं भी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें, इसमें कहीं भी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज ना करें, और इसमें जो नीचे की भी रोडें हैं उसका भी काम साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा हो रहा है इस पूरे रोड पर, इसके बारे में भी अभी से इनको चिंता करनी पड़ेगी और अब जल्दी काम करें, लेकिन जल्दी के साथ मॉनिटरिंग भी कम्प्लीट रखें, वहां पर कोई कमी नहीं आती। उन्होंने 2 महीने बोला है, मैंने इनको कहा है कि आप 2 के चाहे 3 महीने ले लीजिए, लेकिन कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। देखिए कांग्रेस सरकार में ये एक्चुअल में बहुत पहले हो जाना चाहिए था अगर इस पे ध्यान दिया हुआ तो। इन्होंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी कांग्रेस सरकार ने, और फिर जल्दबाजी में इसका उद्घाटन कर लिया, तो बिल्कुल गलती है उनकी, गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर अगर उस समय भी कोई कमियां आ रही थी, क्योंकि 5 साल तक रेडी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 साल तक ये तैयार नहीं हुआ, अभी भी ये तैयार नहीं है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उन लोगों की लापरवाही से ये काम नहीं हुआ होगा।